हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ पैलवल का एक और नया एपिसोड आप सभी के लिए। और आज का जो पैलवल का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। अगर आपने पैलवल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको पैलवल नाम की हमारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें अभी तक जितने भी एपिसोड अपलोड हुए पैलवल के, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। सो चलो गाइस, आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है पैलवल्ड का, वो शुरू कर देते हैं। और फाइनली आप सभी लोगों को पता चल गया ही होगा कि हम लोग ने हमारी जो पैलवल्ड में जर्मन टाइड इग्निस की आर्मी थी, वो आर्मी गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत करके फाइनली बना ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और मुझे अभी आज के इस वाले एपिसोड में इस आर्मी को करना है लेवल अप। वैसे मेरे पास करने के लिए और भी काफी ज्यादा काम है, अगर देखा जाए ना तो मेरे पास बॉस के भी बहुत सारे अंडे पड़े हुए भाई दूसरे वाले बेस पे, तो वो भी लेके आने का। एक काम करता हूँ, रुको, सबसे पहले तो इन सबकी लेवल अप करनी है ना, तो हम लोग को करनी पड़ेगी बहुत ही ज्यादा मेहनत। उसके लिए आज तो सबसे पहले मैं टावर बॉसेस को मारूँ क्या? टावर बॉस बॉस को मारने से भी काफी ज्यादा एक्सपी हम लोग को मिल जाएगी। चलो एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं हमारे तीसरे वाले बेस पे जाता हूँ। मुझे जो ना पैल्स का काउंट जो है जो बढ़ाना पड़ेगा, वो मैं बढ़ाना जो है इस भूल गया हूँ। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं दुद्धू वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लेता हूँ, रुको। ठीक है, ये देखो बॉस ने भर भर के अंडे दिए भाई, इनके अंडे भी कैसे हैच करेंगे हम लोग भाई आने वाले एपिसोड में। भाई कचरे की तरह अंधे भाई अंडे दे रखे भाई उन्होंने, देखना तो भाई 20-20, 30-30 अंडे जो ना गाइस एक वहाँ पे उस ब्रीडिंग फार्म के अंदर होंगे। मैं अभी केक के लिए जो ना गाइस अंडे और मिल्क वगैरह जो है गाइस वो यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि केक बनाने के लिए हम लोग को इन चीज़ों की जो ना गाइस ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग सीधा चलते बेस पे। और कोई यहाँ पर भी कुछ रखे हुए होंगे भाई थोड़े से, हाँ ये रहे। चलो अभी सीधा हम लोग जो है ना कि सारा सामान लेके बेस पे चलते हैं, और बेस पे केक बनाने के लिए मैं डाल देता हूँ। और जर्मन टाइड इग्निस से जो है ना कि सबसे पहले तो मैं बॉस, एक काम करूँ क्या, मेरे पास कितने एक्सपी पोशन पड़े हुए वो सबसे पहले चेकआउट कर लेता हूँ मैं तो। क्या बोलते हो गाइस, कैसे लगा प्लान? केक कितने बन गए? 30 केक बने ना, ठीक है। और थोड़े केक 42 केक बन रहे, केक बनने तो यहाँ पे। मैं जो है ना कि काम करता हूँ, सबसे पहले तो हमारो भाई जो भाई यहाँ पे बेस पे उंगली करने आया भाई उनको मारने दो इनको। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे बॉसेस है ना, उन बॉसेस के अंदर केक डाल दो। कितने अंडे यार, कितने सारे अंडे भाई, देखो तो भाई। मुझे लग रहा है इसमें से काफी बढ़िया बढ़िया वाली भाई गोल्डन स्किल हम लोग को मिलने वाली है गाइस, बहुत ज्यादा बढ़िया वाली गोल्डन स्किल मिलेगी, मजे आ जाएंगे यार फुल टू। चलो आ जाओ, ये सब कुछ हम अगले वाले एपिसोड में करेंगे, कौन सी गोल्डन स्किल बॉस को बॉस के अंडे हैच करने से मिलती है ये सब अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा गोल है जर्मन टाइट जो हमारे इग्निस है उनकी मैक्स लेवल करना, ये हमारा मेन जो है आज का यहाँ पे मिशन होने वाला है। उसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैसे। अभी सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास एक्सपी वाली बुक्स जो है गाइज वो कितनी टोटल पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये बुक ना हमारे लेवल अप के काफी काम आएगी। 26, ये 23, ये 13 खत्म ना, इतना इतने में इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा जो है ना गाइस और कुछ मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है एक्सपी वाली बुक वगैरह। तो इससे मैं कितनी लेवल अप कर सकता हूँ ना, सबसे पहले वो देख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ ये लेवल अप पॉइंट वाले जो है ना गाइस मैनुअल से उनको मैं कंज्यूम कर लेता हूँ सबसे पहले तो। एंड एक मिनट रुक जाओ गाइस, हम लोग टेक्नोलॉजी में वो ग्लासेस बना सकते हैं क्या? मुझे ग्लासेस की पावर देखनी, कहाँ गई ये वाला ग्लास ना? हाँ ये ग्लास में बना सकता हूँ भाई, ये ग्लास किस में बनेगा जरा एक बार देखने दो। मुझे जो ना कैसे चश्मा बनाना है, ये चश्मा ओपी वाला ये रहा ना वो चश्मा, ठीक है। अटैक एंड डिफेंस स्टार्ट्स ऑन स्केल 1-0 यूज टू एबिलिटी, ओके ठीक है, ऑल राइट। मैं इसको बना ले रहा हूँ गाइस अभी यहाँ पे, मुझे पता नहीं ये किस काम आएगी बट बना ले रहा हूँ मैं भाई, ठीक है। ये ग्लासेस को थोड़ा सा पहन के देखते हैं ये ग्लासेस की एबिलिटी जो है गाइस वो एक्चुअली में क्या है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये ग्लास हम कहाँ पहनेंगे? हाय हाय, अच्छा यहाँ पहनेंगे ग्लासेस, तो उससे क्या होगा? ओ बस इतना ही, अच्छा इससे उनके पाल के साइड में इनका स्टैट्स डिफेंस वगैरह वो भाई ऐसे दिखते रहेगा,
हम लोग को इनके नजदीक जाके वो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे दिख रहा है भाई इसका फूड कितना है, हेल्थ कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें दिखती रहेगी भाई। ये तो स्टैट्स चेकआउट करने वाली क्लास है, मुझे लगा ये ओपी वाली कोई क्लास होगी। अरे यार चलो कोई ना भाई, कोई ना आज पहन के रखता हूँ मैं, चलो इसको आज इसको हम पहन के रखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सबसे पहले तो मुझे अपने पैल्स को यहाँ से निकालने दो। और ये जर्मन टाइड इग्निस जो आप देख रहे हो, इन जर्मन टाइड इग्निस की मुझे करनी है तगड़ी वाली लेवल अप। बराबर गाइस एक एक करके करनी पड़ेगी लेवल अप, 50-50 लेवल अप करने में तो हमारी बैंड बजने ही वाली है। वैसे भी मैं देखता हूँ इससे मैं कितनी लेवल अप इनको दे सकता हूँ। मैं आज 8 टोटल जर्मन टाइड इग्निस को जो ना गाइस मैक्स लेवल करने की कोशिश करूंगा। वैसे 45 44, ओके डन 45। अरे बाप रे सब यूज हो गए भाई, ठीक है। तो जितने भी एक्सपी पोशन थे वो यूज हो चुके हैं, लेकिन हमारे जर्मन टाइड इग्निस जो है वो अभी तक स्टिल मैक्स लेवल नहीं हुए, अफसोस भाई। चलो अभी गाइस मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे इसमें स्पॉन रेट जो है पैल्स का वो बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले एक दो एपिसोड जो है ना गाइस हम लोग जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस उनकी यहाँ पे तगड़ी वाली लेवल अप करने में गाइस बिताने वाले हैं, ठीक है। पैल अपीयरेंस रेट, अरे यार पैल अपीयरेंस रेट तो पहले से मैक्स है भाई, मैं फालतू में भाई वो कर दिया यार, पैल अपीयरेंस रेट तो मैंने मैक्स कर दिया था, मैंने फालतू में भाई रिस्टार्ट कर दिया। चलो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी सीधा गेम के अंदर चलते हैं और बॉसेस की जो ना गाइस बैंड बजाने का काम जो है गाइस वो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे शुरू। और 8 टोटल जर्मन टाइड इग्निस की आज के एपिसोड में हम लोग तगड़ी वाली लेवल अप शेवल अप करेंगे। और एक और चीज, मुझे काफी ज्यादा बंदे ये बोलते हैं कि आप भाई जो दूसरे बॉसेस होते उनको मारते ही नहीं हो, सेम बॉसेस को ही मारते रहते हो। तो गाइस हम लोग जो दूसरे बॉसेस है ना गाइस उनको मारने का काम भी आज करेंगे, भले उनसे हम लोग को ज्यादा एक्सपी नहीं मिलेगी, लेकिन पब्लिक बोल रही है कि दूसरे बॉसेस की भी बैंड बजाओ। तो चलो यार आज दूसरे बॉसेस के जो ना गाइस बैंड बजा ही देता हूं मैं, बुशी वगैरह और दूसरे जो बॉसेस है ड्रैगन वगैरह उनको मारने के लिए चलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले मेहमद भाई की बैंड बजा के आ जाते हैं, फिर शुरुआत तो गाइस मेहमद भाई से करेंगे, उसके बाद जाएंगे किंग पाका भाई के पास, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट विजर्ट में भी जाएंगे आराम से। मेहमद भाई को मारने से आई थिंक से 47 लेवल तो हो जानी चाहिए मेरे को लग रहा है, आ जाओ देखते हैं। अरे का बुड़बक है का भाई, का कर रहा भाई तू, बेचारे मासूम से मुर्गियों को मार रहा है। अरे यार ग्लास पेन रखे ना तो स्टैट्स इनके वाइल्ड है ना, उसके भी दिखाई दे रहे। और ये देखना तो इसके भी स्टैट्स दिखाई दे रहे कि इसका डिफेंस कितना है। बीच में जो गाइस मेहमद है ना उसका डिफेंस ज्यादा है, मतलब ये काम तो आ सकती है वैसे ग्लास, बट इस चीज की जो ना गाइस हम लोग को एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है, है कि नहीं। कि इनके स्टैट्स देखे भाई कि किसका क्या कितना बड़ा है, मतलब डिफेंस कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें देखने की ना हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली में। मार भाई, हाँ बैंड बजा, मेहमद की जरा बैंड बजा रहे, वो क्रिस्टल विंग से हीरो बन रहा है, ज्यादा हीरो बन रहा है, जीरो बना दे भाई इसको, शाबाश, एक नंबर मेरे शेर, ठीक है। इधर आज, अरे अरे मेरे भाई इधर इधर बिठा ले मेरे को, ठीक है। तो पहले मैमोरोस को हम लोग ने मार दिया है 45 लेवल, क्या 3 लेवल, एक मिनट रुक जाओ, इनको एक्सपी कितनी मिली, 3 एक्सपी मिली क्या? अरे एक्सपी मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मिली होगी, मैंने नोटिस नहीं करा, 3 एक्सपी तो नहीं मिली होगी, इतना तो कन्फर्म है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ अभी गाइस किंग पाका भाई को मारते हैं, ठीक है। किंग पाका भाई को हमारे जर्मन टाइड इग्निस वासे मारेंगे हम लोग, ठीक है गाइस, बराबर डन। चलो इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं गाइस आराम से, नीचे उतरता हूँ मैं पट से, ओके। ए भाई ये नहीं, फालतू गिरी नहीं, जर्मन टाइड इग्निस, अरे मूर्ख बालक, इनको मारना, इनको इनके मालिक को मारो, मालिक को, आई शबाश, जे बात, बैंड बजा इनकी, बैंड बजा भाई, बिजली के झटके झटके दे रहा है गाइस, बिजली के झटके वगैरह दे रहे, बिजली के झटकों का ज्यादा डैमेज नहीं है। जा भाई जर्मन टाइड इग्निस, इसका फायर बॉल जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। फायर बॉल वाला अटैक जो है वो खतरनाक होता है, बिजली के झटकों वाला अटैक जो है उतना ज्यादा हाई डैमेज डील नहीं कर रहा वैसे देखा जाए तो। चलो एक किंग पाका मर गया, 6000 एक्सपी, देख रहे हो गाइस काफी कम एक्सपी मिल रही है यार। ये मुझे ग्लास ना, ये ग्लासेस उतने ज्यादा पसंद आए नहीं भाई अगर देखा जाए तो, ठीक है। जर्मन टाइड इग्निस भाई क्या हो गया, अरे मारो ना यार इसको, जर्मन टाइड इग्निस में अभी भी उतना पावर नहीं है कि किंग पाका को भी एक एक फटके में उड़ा पाए।
देख ही पा रहे हो क्या आप कितनी ज्यादा प्रॉब्लम भाई फेस करनी पड़ रही है भाई इसको एक किंग पाका को मारने के लिए। चलो खल्लास फाइनली खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया भाई। चलो चलते भाई यहाँ से चीज़ें उठा के सीधा बेस पे चलते, आ जाओ अब बेस पे नहीं, सॉरी अगले बॉस को मारने के लिए चलते भाई। देखो इसलिए मैं भाई बॉसेस को नहीं मारता हूँ ठीक है, क्योंकि ये बॉसेस जो है ना 5-5, 6-6 हज़ार का इसे एक्सपी देते हैं, वो इतनी ज़्यादा इतनी सी एक्सपी जो है वो हमारे किसी काम की नहीं होती इसलिए। चलो अभी भाई इनको तो 50 लेवल करना ही है किसी भी कीमत पे। हमारी जो ना कि बैंड बजने वाली है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारी बहुत गंदी वाली बैंड बजने वाली है भाई इतने सारे पैल्स की ना मैक्स लेवल करने में। समझ नहीं आ रहा मेरे को कि मैं इतने सारे पैल्स की ना मतलब 20 जर्मन डाइड है यार, उनकी मैक्स लेवल कैसे करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बुशी तुम्हारी बढ़ा दूंगा सुशी, और एक एक बढ़ के मैं बुशी को मार दिया, इसे बोलते हैं भाई तेरे भाई का जलवा। चलो 20-20 हज़ार एक्सपी मिल गई यार, मजाक थोड़ी है। चलो आ जाओ चलते जल्दी से यार, ऐसे ना गाइस इनको मारने से काफ़ी कम कम हम लोग को एक्सपी मिल रही है। मैं जाके गाइस वो बड़े बड़े बॉसेस को मारता हूँ, जर्मन डेड को जाके मार के आ जाता हूँ गाइस। रुको जर्मन डेड बॉसेस है ना वो एक एक 1.5-1.5 लाख एक्सपी दे देंगे हम लोग को। कहाँ पे भाई जर्मन डेड भाई, ये रहा जर्मन टाइड, 1-1.5-1.5 लाख इजी पीजी भाई एक्सपी दे देगा, तो जाके इसकी बैंड बजा के आता हूँ सबसे पहले तो ठीक है। चलो आ जाओ, हमारे जर्मन टाइड इग्निस 45 लेवल के भाई, सारे के सारे 45 लेवल के, काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइस यहाँ पे ये डिफेंस वगैरह दिख रहा है ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है गाइस, मैं ये हटा रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई क्लासेस भाई, फालतू में किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है भाई। ए भाई ऊपर ना ही उड़ना है, ऊपर ना ही उड़ना मर जाए। अरे बाबा डैमेज तो है भाई, डैमेज तो है भाई, बहुत गंदा मार रहा, क्या मारा इन लोग को। 46 लेवल तो हो चुके होंगे, हाँ हो गए भाई, चलो एटलीस्ट 46 लेवल तो हुए भाई, बहुत गंदा मारा इन सबको मैंने, एक एक पटके में उड़ा दिया। मेरा फ्रॉस्टेलिन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो गया क्या, नहीं भाई अचानक से फिर इतना ज़्यादा डैमेज कैसे देने लग गया भाई मेरा फ्रॉस्टेलिन भाई, लग रहा है कोई अनहोनी शक्ति आ गई भाई इसके अंदर। चलो मैं जल्दी से कैसे इसको खाना खिला देता हूँ, चलो चल के कैसे अभी अनुबिस की बैंड बजा के आते हैं ठीक है। इनको 50 लेवल करने में कैसे हमारी सिट्टी बिट्टी गुल होने वाली चार भाई जर्मन टाइड इग्निस को, बाकी को तो भाई भूल ही जाओ, इनको बेस पे काम करने के लिए छोड़ देना, नहीं वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अगर एक हाथ बॉस को मारते हैं ना स्टार्टिंग में, अगर लेवल 1 का जर्मन डेड होता है और हम एक हाथ बॉस को भी मारते हैं तो 30 या 35 लेवल मिल जाती है इजीली हम लोग को ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा सीन नहीं होता है। चलो आ जाओ अभी भाई अनुबिस की जो ना कि बैंड बजानी है मुझे, मैं जा रहा हूँ अनुबिस की लोकेशन पे ठीक है। ये रहा भाई यहाँ पे अनुबिस, ये अनुबिस की जो ना कि मस्त बे की मारता हूँ, मेरे को मेरा स्टैमिना पहले रिकवर होने दो फिर इस अनुबिस की बैंड बजाता हूँ ठीक है। अरे यार मैं तो ओवरवेट होने वाला हूँ ऑलमोस्ट, ये फालतू चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ेगी मुझे। चलो अनुबिस को भाई पहले तो फ्रीज कर देता हूँ मार के भाई, डैमेज ये गाइस फ्रॉस्टेलिन का डैमेज बढ़ा दिया गया है क्या, कुछ ज़्यादा ही गंदा मारने लग गया भाई मेरा फ्रॉस्टेलिन तो आजकल। हेलो भाई मैं ओवरवेट हो गया, मैं बोला था गाइस मैं ओवरवेट हो जाऊँगा यार यहाँ पे, तो फालतू चीज़ें ड्रॉप करने दो, मीट शीट खाने दो मुझे रुको। अरे जाओ ना डिक टॉयज के बच्चों, फालतू में उंगली कर रहे हो, सामने की तरफ जो ना गाइस एक और बॉस है भाई उसको भी मार के आते हैं। 47 लेवल के हो चुका है ये ठीक है, 48, 49, 50 तीन और लेवल अब देने गए हमारी जर्मन टाइड इग्निस को, उसके बाद हमारा काम जो है गाइस वो हो जाएगा यहाँ पे समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। यार इससे अच्छा ना मैं जेट्रोकोन को लेके जाता, बट जेट्रोकोन ना एक एक फटके में बॉसेस को उड़ाता नहीं है तो इसलिए जो ना गाइस थोड़ा सा सीन हो जाता है। चलो कोई ना अभी 50 लेवल के तो होने ही वाले, 3-3 लेवल के अलग से मैंने गाइस इन लोग को वो लेवल अप दे रखी है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके ये रहा बॉस, चलो आ जाओ यहाँ पे ना हमको कौन सा वाला बॉस मिल जाएगा, क्यूवरेन आई थिंक से, क्यूवरेन भाई मिल जाएंगे यहाँ पे, हाँ क्यूवरेन भाई भाई अलग ऐसे क्यूवरेन भाई, क्यूवरेन भाई की बैंड बजाना यार, चल तू बजा चल भाई। ए जर्मन टाइड इग्निस भाई दिखा अपना जलवा, दिखा अपना जलवा, अरे मारना भाई मूर्ख बालक, बाप रे इसका डैमेज देख के थोड़ा सा मेरे को डर लगने लग गया है भाई, कुछ ज़्यादा ही
नहीं, दे रहा है डैमेज जा रहा है गाइस, ऐसी बात नहीं जा रहा है, डैमेज जा रहा है भाई का। हाँ डैमेज तो जा रहा है, डैमेज तो जा रहा है। एसिड रेन बाबा, एसिड रेन भाई, जर्मन टाइड इग्निस भाई। ओके एक को मार दिया जर्मन टाइड इग्निस ने, ठीक है जा रहे डैमेज जा रहे। ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट फायर टाइप का काफी बढ़िया सा डैमेज जा रहा है। आग भी लगा दिए भाई ने, तो आग भी लगा दिया काफी बड़े। एक फायर बॉल मार दे इनके थोपड़े पे तो काम हो जाएगा। आई शाबाश, लेट्स गो, ओपी बोलते भाई, इजी पीजी, बच्चों का खेल है भाई, इनको मारना बच्चों का खेल। चलो आ जाओ गाइस भाई, पावरफुल बनते जा रहे हमारे भाई। अब पेल्स मैं क्या डालू यार, ये डाल देता हूँ आधा करके। चलो भाई पहले मैं घर पे जाऊँ यार, मैं ओवर वेट हो चुका हूँ गाइस। यहाँ पे बॉसेस को मार मार के जितनी लूट मिल रही है ना, एक मिनट, अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, किस चीज की आवाज थी है? इसे लग रहा था कोई शाइनी वगैरह आया आजू बाजू। चलो कोई सीन नहीं, अभी जल्दी से चलता हूँ बेस पे सारा सामान जो है गाइस वो रख के आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा हमारा बेस पे सारा जितना भी सामान है रख के फिर वापस से बॉसेस की बैंड बजाने के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे ये सारी चीजें रखनी, तो एक ग्लासेस वगैरह भी रख दूँ क्या यार यहाँ पे? ग्लासेस की भी जरूरत नहीं है मेरे को, एक ऐसे रुको, ग्लासेस भाई यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ग्लासेस की मेरे को एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये फेदर वगैरह रख लेता हूँ। अंडे तो मैं अपने हाथों से खाऊंगा, संडे में अंडे रोज खाओ अंडे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, ऑल राइट अभी चलते गए जल्दी से वापस से हम लोग, अभी डेजर्ट में चलते हैं ना गए, डेजर्ट वैब में चलते, आ जाओ डेजर्ट वैब में। और एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख भाई एक्सपी मिल जाएगी। अरे यार बहुत ज़्यादा दूर जाना है लेकिन यहाँ से तो मेरे को भाई जर्मन टाइड इग्निस को लेके ना मेरे को जाना है जो पहाड़ियों के भाई एकदम पार भाई उधर बीच में। अरे मशीन गन चलाएंगे चमन लोग बताओ। चलो भाई आराम से चलना है। और यहाँ पे डेजर्ट में ना शाइनी पैल्स भी मिलते हैं, तो अगर मिल गया ना एक हाथ शाइनी तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये देख रहे हो गाइस इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है ही नहीं, उड़ उड़ के जल्दी, अच्छा उड़ उड़ के मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा क्योंकि उड़ उड़ के ना ये थोड़ा सा तेज़ जा रहा है हमारा फ्रॉस्ट एलियन मैक्स। देखो गाइस, अरे 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 पावड़े हो गए लोग। अरे भाई इसकी आग, भाई 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 फूट रहे मेरे को भाई, मशीन गन से फूट रहे भाई, सलमान भाई बन गए लोग, लेजेंड आइस एम्परर, अच्छा वही है अपना। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरा फ्रॉस्ट एलियन मैक्स एक एक फटके में कैसे कैसे अनुबिस वगैरह को मार पा रहा है ना, ये देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया हूँ भाई, मेरे को झटका लग गया भाई, मतलब कैसे हाउ। चलो आ जाओ, मैं पहुँच तो गया गाइस यहाँ पे इनके पास, अभी जल्दी जल्दी से जो है ना गाइस हम लोग यहाँ से अंदर गुफा के चल के उन बॉस की बैंड बजाते फिर बिच्छू भाई को मारने के लिए जाएंगे, ठीक है। हेलो कैसे हो भाई डायनोसम लक्स भाई, ये देखो तो, अच्छा इनको तो मैं एक फटके में पहले भी मार रहा था वो अलग बात, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 48 लेवल 4950, दो और लेवल अब देनी है गाइस हम लोग को हमारे इन जर्मन टाइड को, उसके बाद हमारा काम खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय गुड बाय, दो बस लेवल अब। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ से जो ना कि पहले डायरेक्टली बेस पे चलता हूँ, क्या सीन है पता है, यहाँ से अगर मैं उड़ उड़ के जाने की कोशिश करूँ ना बिच्छू के गुफा पे तो मुझे भाई 400 साल लगेंगे, तो इसलिए हम लोग जाएंगे इस वाले टिपे पे, यहाँ से बिच्छू के पास उड़ उड़ के जल्दी पहुँच सकता हूँ मैं वैसे, तो बिच्छू भाई के पास पहुँचते हैं और रात होने तक ना थोड़े और बॉसेस की ना बैंड बजाते हैं हम लोग, ठीक है। उसे जल्दी लेवल अप हो जाएगी, मुझे कम से कम ना 8 जर्मन टाइड इग्निस की 50 लेवल करनी है, ये आज का मेरा गोल तो है, बट कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, क्योंकि एंड की जो 2 लेवल अप होती है ना वो देने में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जो ना कि एक्सपी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली में टाइम लग जाता है। चलो आ जाओ कोई ना, हाँ और गाइज डैजी के मुझे क्लाउड चाहिए, आई नीड डैजी क्लाउड्स, मुझे डैजी के ना ये क्लाउड चाहिए, जो अभी मैंने टीपी मारा है ना वो टीपी क्रिएट करने के लिए मुझे डैजी के क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। कितने क्लाउड्स मिल गए डैजी के? 18 क्लाउड, ओके तो 18 डैजी के क्लाउड से ना टोटल 18 यहाँ पे इजीली बन जाएंगे गाइस वो टेलीपोर्टर्स। चेस्ट ओपन कर करके जाएंगे भाई हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते गाइस उस बॉस की गुफा के पास, लेट्स गो। ऑलमोस्ट गाइस मैं उसकी गुफा पे जो है पहुँचने वाला, ओ डैजी क्लाउड्स, ठीक है। डैजी के क्लाउड्स मिल रहे, डैजी भाग गए यार आधे से ज़्यादा, तो शॉटगन नहीं है क्या मेरे पास? पर्सेड शॉट, ठीक है। चलो
गुफा के पास पूछ भी गए और रिडाजी के थोड़े क्लाउड भी मिल गए। घर पे जाके ना टेलीपोर्टर बनाऊंगा मैं इससे, ठीक है? ये टेलीपोर्टर काफी काम आते हो। यहाँ पे गोल्डन चेस्ट पड़ी हुई, रुको गाइस इसको कलेक्ट कर लिया जाए जल्दी जल्दी से। डन डना डन डन, अभी चल दे गए सीधा गुफा में और बिच्छू भाई की बैंड बजा के आते हैं, ठीक है? इस गुफा में हम लोग को मिलने वाले भाई बिच्छू भाई साहब, और इन बिच्छू भाई साहब की जो है ना गाइस बैंड बजा के मैं 49 लेवल का शायद से हो जाऊंगा। मैं नहीं, मतलब मेरे जर्मन डैड इंग्लिश हो जाएंगे 40। भाई क्या डैमेज है ये गाइस, पक्का 100% मुझे कंफर्म लग रहा है फ्रॉस्टेलियन का डैमेज इंक्रीज करा गया है यहाँ पे, ठीक है? मुझे कंफर्म भाई लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉस्टेलियन पहले इतना डैमेज नहीं दिया करता था जितना भी दे रहा भाई। अभी मैं क्या करूँ यहाँ पे, कोल डालना पड़ेगा ना। हाँ कोल्ड बेक देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आ जाऊँ। चलते गाइस, चलते भी जल्दी जल्दी से यहाँ से सुजुको के पास, सुजुको की बैंड बजाते चलो। सुजुको भाई जो है गाइस कितना दूर है यहाँ से? नहीं, यहाँ से मैं एक डैजी का क्लाउड यूज़ करके मैं पहले घर पे जाता हूँ और वहाँ से हम लोग डायरेक्टली वो डेजर्ट वाले टीपी पे जाएंगे। उड़ उड़ के थोड़ा टाइम लग जाता है यार फ्रॉस्टेलियन से, प्रॉब्लम ये है। देखो ये भाई सीधा टीपी यहाँ पे, वहाँ से इधर, और सुजुको की बैंड बजाते हैं अभी आराम से, कोई सीन नहीं है भाई। सुजुको रो देगा अभी भाई, चलो आ जाओ। 49 भी लेवल नहीं हुए क्या अभी तक? मुझे लगा था 49 लेवल हो जाएंगे यार, काफ़ी ज़्यादा एक्सपी चाहिए इनके लिए तो, काफ़ी ज़्यादा। इस जर्मन टाइड इग्निस, अच्छा मैंने जर्मन टाइड इग्निस का सैडल नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जर्मन टाइड इग्निस के ऊपर बैठ भी सकते हैं। इसका सैडल भी बनाऊंगा, रुको मैं, ठीक है आज के जिसका सैडल बनाता हूँ, रुको मैं जर्मन टाइड इग्निस की पावर दिखाएंगा मैं आपको। और एक तो भाई हमारा बॉस किलर जर्मन टाइड इग्निस तो मैं बनाऊंगा भाई, जो फुल एकदम मैक्स लेवल होगा, सोल वगैरह डाल के उसको फुल मैक्स लेवल करूंगा मैं, ओके। अरे भाई लोग छुट्टी पे गए क्या? अच्छा ये रहे, हेलो हेलो, नीचे उतरो जरा भाई लोग, थोड़ा नीचे उतरो। हाँ जी, पट से शॉट, पट से, अरे मारूंगा इतना पता नहीं कितना भाई लोग। चलो मार भाई, अभी तू मार दे, अपने अपने हिसाब से मार दे इन सबको भाई। क्रिस्टल विंग डाल दे, इन तीनों की बैंड बच जाए एक ही बारी में। अरे क्या हो गया, डर गया हमारा शेर भाई साहब। ये सुजुको बहुत मारते हैं भाई, सुजुको ना भाई मैंने मैक्सिमम टाइम नोटिस करा है, चमन सुजुको हमेशा भाई बहुत गंदा डैमेज देते हैं। कहाँ पे क्या कर रहा भाई, मैं क्या कर रहा भाई तू, ले लो। चलो अभी इसकी बैंड तो बच जाएंगी वैसे भी। आग आग लगा रहा भाई इसकी, आग लगा रहा है, आग लगा रहा है, हीरो बनेगा। चल कल आना, कल बेटा कल, ब्लिजार्ड स्पाइक इसके थोबड़े पे डालता हूँ। चल बेटा बोल बेटा, मस्ती नहीं मस्ती नहीं मस्ती नहीं मस्ती नहीं मस्ती नहीं मस्ती नहीं, खत्म, डन डना डन डन। चलो आ जाओ अभी जल्दी से, कैसे हम लोग चलते हैं घर पे। ये घर पे जाने से पहले मैं थोड़े और बॉसेस को मारूंगा, रुको भाई कौन से बॉसेस को मारना है कहीं जरा मुझे, मैं एक बार देख रहे। तो 49 लेवल के सारे जर्मन डाइड हमारे हो चुके हैं, ठीक है इजी पीजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस एक और लेवल अप देने, जो एक लेवल अप देने में हम लोग को ना बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने आसानी से ये वाली आखिरी लेवल अप नहीं मिलती है कहीं जर्मन डाइड को हमारे। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से जो है कहीं जाता हूँ, लाइलेन लाइलेन बहन जी को मारने, चलो गाइस लाइलेन नॉक्ट को मारने चलते, लाइलेन नॉक्ट को मारने चलते भाई। रात भर बॉस फाइट करूंगा मैं आज, लाइलेन मैडम जी को मारूंगा मस्त मस्त बेके। लाइलेन मैडम जी को मारेंगे, कहाँ पे लाइलेन मैडम जी? यहाँ पे कहीं पे गुफा है लाइलेन की, सीक्रेट हिडन गुफा। और रही वो रही गाइस यहाँ पे, गन रिलोड कर लेता हूँ मैं, ये रही भाई। चलो लाइलेन को मारने से 50 लेवल मे बी हो सकता है, हो सकता है शायद से, चलो देखते हैं। वो किंग पा का क्रिस्टल वाला है ना, उसको भी मार देता हूँ। चलो आ जाओ, किंग पा का भाई की भी बैंड बजा देता हूँ। हेलो लाइलेन मैडम जी आराम से बैठी भाई, इसको भूख लग गई यार, बेचारे को भूख लग गई। फ्रीज करके रखा हुआ है भाई, फ्रीज करके भाई, खाना खा ले तो, खाना खा ले भाई, खाना खा ले। मर गए भाई, मर गए मर गए मर गए, अरे मर गए भाई मर गए, कुछ कर पाए उससे पहले ही मर गए। ले भाई ये ले, बर्फ खा ले, बर्फ खा ले, खत्म। ये गैसोलीन का यहाँ पे कैन क्या कर रहा है? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? तो मेरा खाना ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट नहीं हो गया खत्म भाई, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रुको जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ मैं, 49 लेवल हो गई ना, एक आखिरी लेवल अब देनी है।
रात नहीं हो गई होगी ना तो हम जाके ना उस किंग पागा भाई को मारते हैं। नहीं हुई रात, चलो आ जाओ, किंग पागा क्रिस्टल को भी मार के आ जाते हैं भाई। आज तो बोसेस की बैंड बजाएंगे अब, और इनमें से ना किसी एक जर्मन टाइड को ना मैं अपना मेन बनाने वाला हूँ, फुल मैक्स लेवल करने वाला हूँ उसको। ठीक है, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि किस जर्मन टाइड इग्निस का मैक्स लेवल होने के बाद सबसे ज़्यादा हाई डैमेज जा रहा है, फिर उस हिसाब से गाइस हम लोग चुनेंगे कि किसको जो है गाइस यहाँ पे हम लोग को मेन बनाना है, कौन से जर्मन टाइड इग्निस को। चलो अभी जल्दी से यहाँ से नीचे गुफा है भाई हमारे किंग पागा क्रिस्टल भाई की, पहुँच जाते हैं। ये रही गुफा भाई, चलते हो इसकी भी बैंड बजाते हैं। इसको मारने से मुझे तो लग रहा है कि इसके मैक्स लेवल हो जाएंगे हमारे जर्मन टाइड, चार जर्मन टाइड इग्निस 50 लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, किंग पागा भाई, यार किंग पागा भाई को ज़्यादा डैमेज ही नहीं डील कर पाया। अरे अरे अरे, मैं भी मारेगा भाई। परसेड शॉट, ठीक है, शॉटगन की ज़रूरत है। खत्म, क्या कौन सा वाला है भाई, कौन बचा है मोटू? अच्छा ये मोटू बचा है, खल्लास, खत्म। 50 लेवल, एक 50 लेवल का हो गया है, एक 50 लेवल हो गए, सारे 50 लेवल हो गए क्या? वो सारे के सारे जर्मन टाइड इग्निस हमारे मैक्स लेवल हो चुके हैं। डैमेज 1159 बोलते बॉयज, डैमेज काफी ज्यादा तगड़ा जा रहा है गाइस हमारे इन भाई प्यारे प्यारे से जो ना गाइस क्या बोलते हैं इनका नाम भूल गए, जर्मन टाइड इग्निस का भाई। ठीक है, चलो अभी गाइस इनकी मैक्स लेवल अभी तक हम लोग ने करी नहीं। सोल में ना सोल डाल के सिर्फ एक ही जर्मन टाइड इग्निस को ना वो करने की सोच रहा हूँ, इवॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहली बात तो उतनी ज़्यादा सोल पड़ी नहीं है। ठीक है, और उतनी ज़्यादा सोल अगर सबको हमको 10 समझ लो, कम से कम 10 भी जर्मन टाइड को हमको मैक्स लेवल करना है सोल डाल के, तो उसके लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वो लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे। उतने रिसोर्सेज हमारे पास अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो जर्मन टाइड इग्निस है ना उनमें से सिर्फ एक ही को मैं यहाँ पे मैक्स लेवल करूँगा सोल डाल के। हाँ, उनको कंबाइन करके उनके अंदर भाई वो अंडे वंडे अंडों में से जो जर्मन टाइड निकलते हैं उन जर्मन टाइड से कंबाइन करके मैक्स लेवल मैं 10 जर्मन टाइड को करूँगा भाई। ठीक है, चलो ये हमारा भाई जर्मन टाइड यहाँ पे रेडी है। अच्छा ये लेवल 1 का था, मैं लेवल 1 वाले को भाई वो करने के लिए गया था क्यों? चलो कोई सीन नहीं, लेवल 4 भी एक। ठीक है, चलो आ जाओ गाइस, मेहनत मैंने करी है मेहनत, चलो लेट्स गो। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको यहाँ पे डाला जाए। ए डैजी की क्लाउड्स बना लो भाई, डैजी क्लाउड्स की ज़रूरत है मुझे, वो टीपी मारने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है डैजी की क्लाउड्स। ये रही कितनी बन रही है, 24 डैजी क्लाउड बन रहे ना भाई लोग, ये 24 डैजी क्लाउड जल्दी से बना के रख देना, मैं आ रहा हूँ भाई तब तक भाई इनको लेने के लिए। अभी जो चीज़ें वो यहाँ पे डाल, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या चीज़ है? मशरूम ग्रोन इन अ केव कैन बी मेड अ हीलिंग मेडिसिन, ऑल राइट। ठीक है, ये कोई नई चीज़ मिली है, वैसे भी वो स्पॉइल ही हो जाएगा। रुको, मुझे भाई थोड़ा खाना पीना भी जुगाड़ करना है यार, खाने की कमी पड़ रही है मेरे को। तो भाई खाना 300 इनफ रहेगा क्या? इतना इनफ नहीं सर, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा। चलो कोई ना, लेके चलते हैं मैमथ भाई को पहले जाके मारते हैं, फिर टावर बॉसेस को मारेंगे भाई। बहुत ज़्यादा भाई अलग अलग बॉसेस को मारना है आज भाई। ठीक है, 7 लेवल, 18 लेवल, 18 लेवल के हो गए भाई। चलो अच्छी बात है, मैमरस को मार के भाई देखना सीधा 30 लेवल पा रहा, 30 लेवल पा रहा। एक मैमरस तो भाई एक फटके में मर गया बेचारा, बेचारी के तो बैंड ऐसी बच गई सैड लाइफ। ठीक है, 35 लेवल, नहीं मैंने क्या बोला था भाई, क्या बोला था, 30 लेवल तो ऐसे हो जाएगी, 35 होगी। वैसे मैंने बोला तो 30 था लेकिन होगी 35 भाई। चलो अच्छी बात है, अभी गई नए बॉसेस को भाई, ठीक है पब्लिक बोल रही नए बॉसेस को मारो, आ जाओ भाई। कैटरिस भाई को मार के आते, कैटरिस बहन को मार के आते, भाई नहीं है वो हमारी बहन है यार। कैटरिस को ना इन लोग को भाई एकदम ओपी वाला बनाना चाहिए था, मुझे कैटरिस जो ना एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भाई पसंद थी, बट क्या करे बाद में जाके ना उसकी भाई स्किल थोड़े से नल्ले हो गए, वो उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं रही। बट ना कैटरिस मेरी फेवरेट पैल थी भाई, आप देखना तो कितने क्यूट है भाई ये कैटरिस, छोटू से पीछे भाई है एक्चुअली में, बताया आपको, शी इज अ लिटिल विच।
और भाई काफी ज्यादा दिखने में भी कूल थी है। चलो कोई ना, अब इसको भी मार दे भाई पटकों में, एक एक पटकों में उड़ाते हैं हम लोग भाई बॉसेस को। चलो अभी किसको मारना है भाई, और किसको मारना है? अरे वो इसको मार के आते गाइस, बीटल भाई को मार के आते, बीटल भाई को, बीटल भाई की बैंड बजाते। ठीक है गाइस, बीटल भाई की जो हमारे टेलीपोर्टर के नजदीक बॉसेस है ना, उनकी बैंड हम लोग भाई बहुत ज्यादा आसानी से बजा सकते हैं। जाके भाई बीटल भाई को भाई मार के यहाँ पे जल्दी से आ जाते हैं। बीटल भाई ग्रास टाइप है ना, तो जर्मन टाइड को उतार देता हूँ ना फाइट में यार। हमारे जर्मन टाइड किसी से कम है के? आ जाओ भाई, हमारे जर्मन टाइड किसी से कम है के भाई? बिजली वाला अटैक नहीं देना भाई तेरे को, जर्मन टाइड भाई। अरे जर्मन टाइड को तो हवा टाइड कर दी, जर्मन टाइड नहीं यार, ये जर्मन टाइड की लेवल अप नहीं हुई है उससे ज्यादा। हाँ भाई, हाँ भाई क्या हो गया? हीरो बन रहे, हीरो बन रहे ज्यादा ये भाई। हीरो 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 बनेगा, हीरो बनेगा बीटल भाई, हीरो बन रहा था बीटल भाई, जीरो बना दिया मार मार के। चलो कितने लेवल हो गई, 38 लेवल, धीरे धीरे करके लेवल अप हो रही है। ये उतने ज्यादा खतरनाक वाले बॉसेस नहीं है तो ऑफ कोर्स यस। वो उठाने दो गाइस, रुको इतने सारों को मारा है तो फ्लूइड तो उठाने दो यहाँ से भाई। चलो भाई, अरे यार इनको तो मैं इसे मार सकता हूँ यहाँ से, अगर फ्लूइड चाहिए तो इससे। और किसको मारा जाए? चलो आ जाओ भाई, हमारे प्यारे प्यारे से जर्मन टाइड को मार के आ जाते हैं। अलग अलग बॉसेस को मार रहे हैं हम लोग, टावर बॉसेस को मैं क्यों नहीं मार रहा हूँ बताए? देखो पहली बात तो टावर बॉसेस को मारने में लगेंगे हमको भाई बहुत ज़्यादा टाइम, और उनको मारने से ना एक एक लाख एक्सपी मिलेगी। उतने एक्सपी तो मैं भाई एक बॉस को मार के भाई इजीली भाई एक हाथ मिनट भी नहीं, 10-12 सेकंड में जो ना गाइस वो कर लेता हूँ, कमा लेता हूँ। तो ज़रूरत नहीं टावर बॉस को मारने की, टावर बॉसेस के अगेंस्ट जो ना गाइस मैक्स लेवल का जर्मन टाइप जो अपना होगा ना जब हम बनाएंगे तो उसको भाई एक फटके में भाई 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 कुछ ज्यादा, अरे भाई 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 कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है गाइस ये? एक एक फटके में उड़ा दिस भाई, एक एक फटके में, मजाक हो रहा है कोई यहाँ पे? तुमको मरना है कह रहे सरपंच, सरपंच को ज्यादा चुल मची भाई। 42 लेवल हो गए गाइस इजीली, मैं बोला था गाइस लेवल अप जो है गाइस ये वाले बॉसेस को मार के बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाती है। 42 लेवल के अनुबिस को मारूंगा ना तो 45 लेवल या 44 लेवल के तो हो ही जाएंगे इजीली। उसके बाद बस सिर्फ इनको 5 और लेवल अप जो है गाइस वो देना बाकी रह जाएगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ, इनको मैक्स लेवल कर पाऊंगा क्या मैं? टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा गाइस वैसे। चलो ट्राई करता हूँ इनको मैक्स लेवल करने की, क्योंकि इनको मैक्स लेवल करने में ना भाई बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, बट ट्राई करेंगे वीडियो बस ज़्यादा लंबी ना बन जाए। चलो अभी जल्दी से जाके जो है ना गाइस अनुबिस को मार के आते हैं। अनुबिस को मारने के बाद हम लोग जाएंगे डेजर्ट में, डेजर्ट में कुछ चोमू चोमू से बॉसेस को मारेंगे एंड उससे जो है गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्स लेवल हो जाए। मुझे नहीं लग रहा है कि होंगे बट फिर भी लेट्स सी। अरे यार गलत जगह पे आ गए, अच्छा यहाँ पे अनुबिस शाइनी कौन? टोको टोको भाई, देख रहे हो भाई जब ज़रूरत थी ना तब शाइनी, मेरे पास शाइनी टोको टोको पड़ा हुआ है गाइस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ। हो जाता अच्छा, मेरे पास पड़ा हुआ है शाइनी डोकोडो को, मुझे जरूरत नहीं शाइनी डोकोडो को की बट फिर भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अरे यार हुआ क्यों नहीं कैप्चर? ले रे हो जा कैप्चर। अबे इसको बॉल क्यों नहीं लग रहा? ये ले ए डोकोडो को, तुमको मरना है करे मौत से डर नहीं लगता भाई? बॉल हाँ हाँ मैं उड़ जाऊंगा, पड़ जा भी 9999 डैमेज वाले डोकोडोको के बच्चे हो गया। चलो लकी ब्लरी बॉडी, चलो अच्छा है कुछ तो ढंग की चीज़ मिली। ब्लरी बॉडी ना डिफेंस वाली स्किल है, काफ़ी बढ़िया है भाई डिफेंस के नाम पे वो स्किल भाई, ओपी एकदम। अनुबिस भाई कैसे हो, कैसे थे भाई अनुबिस भाई? 44 लेवल, इजी पीजी 44 लेवल। अभी जल्दी से गाइस हम लोग चलते वापस से उसी बॉस को मार के जाओ क्या, क्योंकि टीपी तो वहीं पर है। जा रहा हूँ तो क्यूवरेन को मार के जाता हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल अब मिल जाएगी हमको। आ जाओ चलो, उसके बाद हम लोग डेजर्ट में चलते हैं। डेजर्ट वाले बॉसेस को मारने के बाद थोड़ा टाइम हमारे पास बच जाएगा तो हम लोग जो है जाएंगे मारने के लिए कुछ और भाई वर्ल्ड बॉसेस को। आइस वाले बैम वाले बॉसेस को मार देता हूँ भाई, देखते हैं 44 लेवल हुई है। पिछले वाले जर्मन टाइड से जो ना ज़्यादा टाइम लगने वाला है इन लोग को लेवल अप होने में यहाँ पे, बट आज तो मैं सोच रहा हूँ कि
चलो कर ही लेता हूँ यार, 8 जर्मन टाइड जो है ना गाइस हमारे, उनको मैक्स लेवल कर ही देता हूँ मैं, ठीक है, भले थोड़ा टाइम लग जाए हम लोग को। ओके आ जाओ अभी यहाँ पे जल्दी से हम लोग चलते हैं भाई, और जल्दी जल्दी मारना है, टाइम वेस्ट। अरे नहीं यार, डंजन वाले बॉसेस आधे घंटे में रिस्पॉन होते, मैं भूल गया था ये रिस्पॉन्ड नहीं हुआ होगा क्योंकि आधा घंटा हुआ नहीं है। चलो अभी जल्दी से चलते हैं गाइस, हम लोग बेस पे जाना है क्या? बेस पे जाके ना थोड़ा एक काम करता हूँ, रुको जी, बेस पे जाके ना, बाप रे, पहले इनको मारने चलता हूँ, चलो उसके बाद हम लोग बेस पे चलते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ी ना बेस पे रखने में ओवरवेट होने वाला है ऑलमोस्ट। इनको मारता हूँ, सुजुको को मारने से ना 50-50, 60-60 हज़ार एक्सपी मिलती है, और ऊपर से मारने में इनको ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन चलो अभी ज़रूरत तो है हम लोग को, तो भाई मार देते हैं। डैश ही हो रहा है, क्लाउड 6 नहीं भाई, ज़्यादा मिलेंगे क्लाउड्स, डैजी के क्लाउड चाहिए हम लोग को, टेलीपोर्टर्स बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं इस डैजी के क्लाउड। अभी भाई आराम से दौड़े दौड़े जा रहे हैं हम लोग, रुको गन को रिलोड कर लेता हूँ फुल, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले गए सुजुको भाई के पास। ओ यहाँ पे एक चेस्ट भी है, इसको ओपन कर लूँ। यार एक फालतू की ब्लू प्रिंट क्यों मिलती है? खाना छाना मिला है, इसको खिला देता हूँ, रुको कोई ढंग की चीज़ मिली और कोई ढंग की चीज़ नहीं है। चलो आ जाओ, कहाँ पे भाई है? सुजुको ये रहे, ठीक है सुजुको भाई को ठीक है बुला तो दिया है नीचे भाई, डैमेज भी तगड़ा दिया है गाइस देखा जाए तो, ठीक है ओके। अभी ये भाई खुद मार देगा उनको, मार भाई, क्या हो गया? अरे यार ये अटैक नहीं कर पाता कभी कभी यार, चिंदी बना करता है थोड़ा सा। कम ऑन ऑस्ट्रेलियन, मेरे ऑस्ट्रेलियन को सुजुको ही बहुत गंदा मारते भाई हमेशा। क्या हो गया भाई, तूने अटैक नहीं करा यार, क्रिस्टल विंडाल। चलो खत्म, ओवरवेट हो गया मैं। अरे भाई मार दे, कोल वगैरह डालने दो, फेंक देता हूँ कोल वगैरह ना, जरूरत नहीं है, बोन्स की जरूरत पड़ती है कभी कभार। अच्छा आखिरी बचाव आएगा शेर हमारा, इसको भी मार देता हूँ। अरे यार हीरो बन रहा है ज्यादा भाई, बिठा ले मेरे को, मैं इसको भाई जीरो बना देता हूँ, रुको खत्म भाई, हीरो बन रहा था ज्यादा, जीरो बना दिया। अभी सीधा बेस पे जाना है, और ओवर वेट अलग से हो गया हूँ मैं, अभी यहाँ पे काम आएगा हमारा डैजी क्लाउड, डैजी क्लाउड की मदद से आराम से हम लोग जो है गाइस यहाँ पे अपने बेस पे टीपी मार सकते हैं, समझ रहे हो गाइस? अभी मैं डैजी क्लाउड क्यों बना रहा हूँ, ये रीजन है, इजीली बेस पे जा पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी इन चीज़ों को भाई जल्दी से यहाँ पे स्टोर करने दो मेरे को, बहुत ज़्यादा ही जो है ना गाइस हम लोग चीज़ें लेके आए भर भर के, उनको यहाँ पे स्टोर करके रख देता हूँ, ठीक है ठीक है। डैजी क्लाउड्स अन्नी वगैरह यहाँ पे स्टोर ना होगा, डैजी क्लाउड बन के रेडी होंगे भाई, और डैजी क्लाउड कितने बन रहे हैं? 12 बनाने दो। चलो अभी जल्दी से चलता हूँ मैं डेजर्ट में, किसको मारा जाए? इसको मारा जाए सबसे पहले। 45 लेवल हो गए क्या मेरे ये जर्मन टाइडिग्रिस? मैंने चेक नहीं करा, 45 लेवल हो गए भाई, तो इनको और 5 लेवल अब जो है गाइस वो करनी है। हाय हाय बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, चलो जल्दी से उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं गाइस, लेट्स गो। चलो गुफा के पास तो आ गए हैं, अभी गुफा के अंदर जाके सबसे पहले भाई इस बॉस को मार दिया जाए, 47 लेवल उससे मिल जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा मेरे को लग रहा है। 47 लेवल तो ईजी पीजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भूख लगी है भाई बेचारे को। चलो इसको मार देता हूँ पहले, उसके बाद इसको खाना खिला दूंगा। ये ले, कितना भूखा है भाई तू, ये ले खा ले भाई आराम से। ओ इसने भाई वो डैमेज खाया था ना वहाँ पे, इसलिए इसको ज़्यादा भूख लगी। ये मशरूम जो है ना, ये मेडिसिन बनाने के काम आते, पता है? खिला देता हूँ भाई रुको इसको। चलो अभी यहाँ से निकल जाते हैं, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। 46 लेवल हो गए भाई, ज़्यादा नहीं हुए, मुझे लगा था 47 या 48 लेवल हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे करके इनकी लेवल अप होगी, ठीक है। अभी मुझे जाना है, अरे यार इतना बाहर क्यों आया मैं, मुझे अभी डायरेक्टली बेस पे ही जाना है, और वहीं से डायरेक्टली मैं वापस से उस टेलीपोर्टर पे टीपी मारूंगा, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग इस वाले टेलीपोर्टर पे टीपी मारेंगे, स्कॉर्पियन को मारते हैं, फिर आइस वाले व्यायाम में जाके उन दो बॉसेस को मारते हैं, उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, थोड़े थोड़े से बॉसेस को मार के मैक्स लेवल करने की ट्राई तो करता हूँ। इनकी मैक्स लेवल करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी काफ़ी धीरे धीरे करके लेवल अप हो रही है भाई इन लोग की,
चलो कोई ना भाई, हम लोग जा रहे हैं सभी गुफा के पास। बाकी अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना भाई लोग। और हमारे फ्रॉस्टलैंड कैसे लग रहा है बताओ। और जो जर्मन टाइड इग्निस है ना, उसको भी मैं कैसे यहाँ पे एक ओपी सा मैक्स लेवल का जर्मन टाइड इग्निस भाई बना के आपको उसकी पावर दिखाऊंगा। अभी मेरे पास ना उतने ज्यादा अंडे अवेलेबल नहीं है, वरना मैं 5 लेवल करके सोल से इवॉल्व करके ना उसका सैडल अनलॉक करके आपको दिखा देता हूँ उसकी पावर। बट मेरे पास अंडे नहीं है। अंडे अगर मेरे पास 100 लगभग आ जाते ना, 100 eggs, तब मैं भाई मैक्स लेवल कर सकता हूँ एक जर्मन टाइड इग्निस को। तो वो करके मैं आपको जरूर दिखाऊंगा मेरी जर्मन टाइड इग्निस की पावर, ठीक है। वो भी भाई ओपी वाले 2 golden skill और 2 normal skill वाले जर्मन टाइड इग्निस की पावर। चलो अभी ऑलमोस्ट हम लोग उस गुफा के पास पहुंचने वाले हो रहा। एक और बात, अगर हमने हमारी पैलवेल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। उस प्लेलिस्ट में ना आपको जितने भी अभी तक एपिसोड हम लोग ने पैलवेल के अपलोड करे ना, वो सारे लाइन से देखने को मिल जाएंगे। सो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, मैं तो बोलूंगा गाइस आपको। चलो अभी जल्दी 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 से हम चलते हैं स्कॉर्पियन की गुफा ही पे गई पर। स्कॉर्पियन भाई की गुफा ही है रही। चलो स्कॉर्पियन भाई की गुफा के पास तो आ गया हूँ मैं फाइनली, ठीक है। अभी जल्दी से स्कॉर्पियन भाई की गुफा के अंदर चलते हैं गाइस, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अभी मजा आएगा ना भाई। अभी गाइस यहाँ पे सबकी मस्त बेकी भुर्जी बनाएगा तेरा भाई, ठीक है, मस्त बेकी। हेलो कैसे हो स्कॉर्पियन? चलो स्कॉर्पियन को पहले मारो 3-3। ऑलमोस्ट मरने वाले भाई, मर गए भाई। 57 level, ठीक है यार। मैं मैक्सिमम टाइम इनसे जो कोल मिलता है ना, कोल उठा के भाई ऑर्बिट हो जाता हूँ। फालतू में कोल देते भाई ये बॉस। चलो अभी यहाँ से सीधा हम लोग मारेंगे वापस से बेस पे गल्डी, क्योंकि भाई टेलीपोर्टर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, नज़दीकी टेलीपोर्टर भी। तो बेस पे चलते, वहाँ से आइस वाले वाइब में चलते हैं उन सेम बॉसेस को मारने के लिए वापस से, क्योंकि इनसे भी हम लोग को 1-1.5 लाख एक्सपी जो है जो मिल जाएंगी। फिर हम लोग थोड़े और नए बॉसेस को मारेंगे, क्योंकि टाइम और थोड़ा बचा हुआ है हमारे पास। ओके 47 ना, 48, 49, 50। हाई हाई टाइम तो लगने वाला है बहुत ज़्यादा। चलो ये रही गए हमारे पैरिस से, नाम क्या है भाई तेरा? लाइलैंड नॉक की गुफा भाई, ठीक है। और किंग पाका क्रिस्ट को मारेंगे और लाइलैंड नॉक को मारते हैं। फिर गाइस मैं सोच रहा हूँ ना, फिर हम लोग चलते डेजर्ट में, डेजर्ट नहीं सॉरी वॉल्कैनो में, और भाई उसको मार के आते ब्लेजमत को। ब्लेजमत को मारना ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। वो तेरा भाई ब्लेजमत की भी बैंड बजाने की ट्राई करेगा। चलो देखते ब्लेजमत की ना, 3 ब्लेजमत होंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए, बट तीनों की बैंड बजाने की मैं ट्राई करूँगा। देखते हम लोग तीनों की बैंड बजा पाते थे। गेम ओवर बोलते बॉयज। ओवरवेट क्यों हो गया भाई? ऐसी क्या चीज़ उठा ली मैंने? कोल। अरे नहीं यार, कोल भाई मेडिसिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी है यार, मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा दी है। चलो अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं गाइज यहाँ पे टीपी पे, और टीपी से जाएंगे गाइज उस किंग पाका क्रिस्ट को मारने के लिए, ठीक है। कितना दूर है? अच्छा यहाँ से टीपी मार के जाऊँगा ना डायरेक्टली, फिर वहाँ से डायरेक्टली गुफा में चला जाऊँगा, ठीक है। इजी पीजी भाई, कोई सीन नहीं है ज़्यादा। और हमारा प्रोस्टलिन भी काफ़ी बढ़िया मार रहा है, 48 level ना, 2 और level अब भाई, 2 और level अब। फिर 8-50 level के जर्मन टाइड इग्निस हमारे रेडी, उसके बाद 12 और जर्मन टाइड इग्निस को ऐसे लेवल अप करना है भाई। टाइम यार बहुत लगने वाला है यार हम लोग को। चलो अभी जल्दी से हम लोग नीचू चलते हैं, और नीचे गुफा कहाँ पे? ये रही गुफा, गुफा में चल के बॉसेस की मस्त वाली जो है गाइस बैंड बजा के आते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, मस्त वाले एकदम बैंड बजाते हैं। ओके किंग पाका भाई को एक साथ फ्रीज करो सबको यार, कुछ कुछ को भाई ज़्यादा डैमेज नहीं करा। मार दे भाई। अरे बाप रे, नाइस। चलो खत्म है, कहानी खत्म है भाई इन लोग की, कहानी खत्म है। मैं चीज़ें उठाता हूँ तब तक तो बैंड बजा रहे होंगे। जो एक बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी मार दे, मैं चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय किंग पाका। चलो खत्म किंग पाका का कहानी गई यहाँ पे खत्म। अभी गई मेरे को और उधर जाना है ना, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऊपर वाला टिपी लेके ही डायरेक्टली चलता हूँ वॉल्केनो बाय में जाके ब्लेजमत की बैंड बजानी है। अभी 49 level, 49, एक और आखिरी लेवल चाहिए, काम हो गया फिर समझ लो। आज कितने बॉसेस को मारा होगा मैंने भाई इनको लेवल अप करने के लिए, कचरे की तरह बॉसेस की बैंड बजाई मैंने।
ठीक है, अभी ब्लेजमत भाई को मारने के लिए हम लोग को अगर जाना है तो हमको जाना पड़ेगा इस वाली टिप्पी पे। ये वाला टिप्पी थोड़ा सा नज़दीक पड़ जाता है शायद से, नहीं मैं थोड़ा दूर वाली टिप्पी पे टिप्पी मार लिया लग रहा है। काफ़ी टाइम हो गया कहीं से हम लोग यहाँ पे आए नहीं है, फाइनली आ गए। चलो ओ यस, चलो आ जाओ, चलते हैं अभी सीधा सीधा यहाँ पे वो रही गुफा हमारे ब्लेजमत की। ब्लेजमत की बैंड बजा के आते, ये काफ़ी खतरनाक बॉस है, मैं पहले बता दूँ आपको। ब्लेजमत ये मेरे फ्रॉस्टलियन को ऐसा चुटकियों में भाई डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इससे, मेरे फ्रॉस्टलैंड को और मेरे को भी। इसको मारने के बाद ना हम लोग मारने के लिए उसको मारने के लिए जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं नाम भूल गया उस बॉस का, भाई इतने सारे बॉसेस है ना मैं नाम भूल जाता हूँ। क्या नाम है भाई उस बॉस का? इसको एस्ट्रोगन को मारने के लिए जाने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। देखते चलो एस्ट्रोगन को भी मार के उसकी बैंड बजाएंगे। भाई लोग को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता, चलो एक तो मरा, दूसरा भी मरा, तीसरा भी मरा। ओ भाई, ओ भाई बहुत टाइम लग गया भाई, मेरे को तो लग रहा था कि इस बैंड बजे। अरे कितना कोल दोगे भाई? नहीं चाहिए इतना कोल, नहीं चाहिए कोल भाई, बैंड बजा दी यार। बच्चे है बच्चे, बच्चों को मारना हमारे बायाद का खेल है। एक कोल वगैरह फेंक दो। ओ बॉस वो मिल गया मेरे को, बॉस को स्पॉन करने के लिए टैबलेट। ठीक है तो क्या करें, एस्ट्रोगन को मारे? क्या बोलती पब्लिक, एस्ट्रोगन की बैंड बजाई जाए? टिपी मार के जा रहा हूँ क्योंकि नज़दीकी टिपी बहुत दूर है। सीधा गए हम लोग बेस पे पहुँच जाएंगे टिपी लेके। मैं सोच रहा यार एक एस्ट्रोगन को चुम्मी दे के आ ही जाता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, है कि नहीं? रेड, अरे यार मेरे को एस्ट्रोगन को मारने जाना था, अभी रेड करने के लिए आ गए भाई। ये थोड़ा सा पागल बिठाना, पागल पिघल हो गया भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, चूमो चिंदी पाल से, पाल तो मैं हमला करने के लिए जाता है। ले लियो भाई, ये फ्लायर्स को संभालना पड़ेगा बस, थोड़ा भूख लगी है मेरे को भी और मेरे पैल्स को भी। फ्लायर को थोड़ा संभालना पड़ेगा, एआर से ही मार सकता हूँ मैं फ्लायर्स को, बर्फ वाली गोलियों से मारता हूँ। मरना है क्या? डर नहीं लगता मौत से बेटा? चलो खत्म, ये रेड शुरू होने से पहले खत्म हो गई भाई। ओके वो एक बचा हुआ है, उसको भी मार के जाऊंगा। रुको तो इन सारी चीजों को हम लोग आराम से रखते हैं। एस्ट्रोगन को मारने के लिए जा रहा होगा इसमें अभी, देखते हैं एस्ट्रोगन जो है ना, एस्ट्रोगन को मारना थोड़ा डिफिकल्ट तो है यार। मेरे फ्रॉस्टेलियन के लिए एस्ट्रोगन को मारना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ट्राई ज़रूर करूँगा मैं। चलो ट्राई ज़रूर करेंगे। हमेशा एक भाई रेड करने के लिए आया हुआ पालने से अटक के क्यों रह जाता है यार कोने में कहीं पर। चलो रेड खत्म, अभी जल्दी जल्दी से जा रहा हूँ एस्ट्रोगोन्स को मारने के लिए। तीन वो भी भैया, एक एस्ट्रोगोन को तो मैं इजीली संभाल लूँ, बट तीन एस्ट्रोगोन को ना मारना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। चलो यहाँ से हम लोग एस्ट्रोगोन को मारने के लिए जा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या पता है, वो जो ना कहीं से एक छोटी सी गुफा के अंदर है, वो गुफा के अंदर जो है ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मूव करने के लिए, जो मेन प्रॉब्लम वो है भाई। और वहाँ पे फिर एक तरीके से हम लोग ट्रैप हो जाते हैं उस गुफा में और हमारी बैंड बज जाती है। पूरी रात हो गई है, अंधेरा कायम रहेगा, इस अंधेरे में फाइट लेनी पड़ेगी भाई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। चलो कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए समझ लो, फुल अंधेरे में फाइट लेनी पड़ेगी। चलो लेट्स गो, चलो आ जाओ गाइस, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, अंधेरे में ना ढंग से कुछ दिखाई दे नहीं रहा। और इन बॉसेस को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ये बॉसेस जो है गाइस वेरी वेरी डेंजरस बॉसेस है, ऐसा मेरे को लग रहा था, क्योंकि इनकी बैंड लग रहा है। अरे बाप रे, इनकी बैंड तो मैंने ऐसे ही बजा दिया। छोड़े बच्चे हो कह रहे तुम भाई, इनकी बैंड तो ऐसे ही बच जाएगी। हाँ भाई क्या रे बाबा,
मेरे को लगा था कुछ ज्यादा खतरनाक है, बट उतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। चलना आवान दे, खत्म भाई। इजी 50-50 लेवल के जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस वो हमारे फाइनली हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल 8 जर्मन टाइड इग्निस को चुना गाइस 50 लेवल का करने का काम जो है गाइस वो आज के इस वाले एपिसोड में तुम्हारे भाई ने करा है। अभी मैं सीधा जो है गाइस जाता हूँ अपने घर पे गाइस, ठीक है भाई। मुझे लगाने तो मैं इतने से तो आसानी से जो ना गाइस यहाँ पे इन बॉसेस की बैंड बजा पाऊंगा, बट मैंने काफी ज्यादा इजीली भाई गुफा के अंदर घुस के जो ना गाइस मारा है गाइस उन क्या नाम था यार उनका, मैं नाम भूल जाता है यार बार बार भाई बॉसेस का भाई, बहुत लेकिन बहुत ज्यादा आसानी से मार दिया गाइस हम लोग ने फ्रॉस्टलैंड से। मजा आ गया गाइस, चलो आ जाओ। अभी ये सारी चीजें मुझे ड्रॉप करने तो जो मिली है जो हमारे किसी काम की नहीं है, बाकी सारी चीजें जो मेरे पास है एक्स्ट्रा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मुझे कुछ स्लैब जो है गाइस वो मिले हुए हैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये हनी जो है गाइस जिसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। रुको, ठीक है मजा आ गया भाई। अपना फ्रॉस्टलैंड तो काफी खतरनाक है और हमारी जर्मन टाइड इग्निस की आर्मी जो है वो भी रेडी हो रही है। ठीक है 50-50 लेवल का, ये एक ये दो ये तीन एंड ये चार, तो 50 लेवल के जो हमारे जर्मन टाइड है गाइज वो यहाँ पे रेडी है। 8 टोटल जर्मन टाइड को 50 लेवल करने का काम जो है वो आज की इस एपिसोड में तुम्हारे भाई ने करा है। मजाक हो रहा है क्या भाई? रुको अभी अपनी आर्मी ले लूँ क्योंकि अगले एपिसोड में मुझे काफ़ी ज़्यादा ना महत्वपूर्ण काम करना है। मेरे आर्मी में कौन था भाई? पहली बात तो अनुबिस शैडो बैग था, शैडो बैग 50 लेवल का। अपना शैडो बैग कहाँ पे है? 4 गोल्डन स्किल वाला है भाई अपना 50 लेवल का शैडो बैग ओपी सा। मसलेड फ्यूरियस लकी विकी ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं। अरे कहाँ चला गया मेरा लेजेंड? आए 4 गोल्डन स्किल वाला कहाँ चला गया मेरा? ये मेरा 4 गोल्डन स्किल वाला शैडो बैग कहाँ चला गया? घूमने गया क्या कहीं पे? ये वाला दिख रहा है मुझे, बट ये तो एक लेवल का है भाई, ये तो ना है भाई, ये तो ना है। एक मिनट, अरे माँ की आँख, शिट क्या हुआ बताएं? क्या हुआ बताएं गाइस सबको? हट भाई, नहीं ये ना हुआ जो मैं सोच रहा हूँ गाइस, ठीक है वही हुआ। अरे भगवान, मैंने इतने मुश्किल से बढ़ाया था यार उसको। हट यार, क्या हो बताता हूँ रुको आपको, मैं बताता हूँ पहले मुझे कंफर्म करने दो। यस वही हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ, वही हुआ जो मैं सोच रहा हूँ वही हुआ है भाई। यहाँ पे आपको बताओगा कल वाले एपिसोड में या उससे पहले वाले एपिसोड में मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा शैडो पैल्स हो रहे थे, तो मैंने कुछ शैडो बैग्स को सेल करा था रैंडमली बिना कुछ देखे, और उसमें गलती से मैंने अपने मेन शैडो बैग को बेच दिया। अरे यार कैसे ये गलती कैसे कर सकता हूं मैं इतनी ज्यादा बड़ी भाई? हट यार, नहीं यार भाई, अभी मेरे पास उतनी सोल पीड़ी पड़ी है कि एक और बना पाऊं मैं। पड़ी है गाइस गाइस गाइस, एक और शैडो बैग चाहिए। अगले एपिसोड में ब्रीडिंग शुरू कर देता हूं मैं शैडो बैग की। मुझे एक और शैडो बैग चाहिए भाई, मेरे को बताने मेरे को चाहिए भाई एक और शैडो बैग। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ यार? रैंडमली मैंने बेचे थे गाइस काफी सारे पैल्स, आपको बता ही होगा। उसमें मैंने शैडो बैग को भी जो अपना मेन शैडो बैग था उसको बेच दिया यार। कैसे पागल हो सकता हूँ मैं इतना ज्यादा? हाय भाई, अगली बार से ध्यान रखना है किसी को अगर सेल कर रहा हूँ ना कोई पैल तो ध्यान रखना, उसकी लेवल वगैरह देखनी है यार। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने भाई, 50 लेवल करने में एक पैल की हमारी बाण बच जाती है। करूंगा लेकिन मैं करूंगा, रुको यार भाई। मैं ना अपने पैल्स को अलग रखने के लिए ना एक विविंग केजर बना दूंगा, नहीं ऊपर बना हुआ है ना समझ लो, मेरे कुछ पैल्स हैं उनको अगर मुझे अलग से रखना है और किसी और पैल्स को लेवल अप करने के लिए लेके जाना, तो ऊपर वाले विविंग केज में अपने पैल्स को मेन जो पैल्स है ना उनको डाल के रख दूंगा। रुको एक काम करता हूँ, मैंने उस वाले तीसरे बेस पे ना अपना जर्मन टाइड रखा हुआ है, या फिर मैंने जर्मन टाइड को भी जेट्रोगोन रखा हुआ है, सॉरी जेट्रोगोन को तो नहीं बेचा ना भाई मैंने गलती से, मेन वाला देखने दो भाई। भाई मेन जेट्रोगोन तो जिंदा है ना मेरा, एक मिनट
ए भाई, ए भाई, लो ये नहीं। हाँ ये है ना भाई, लेवल 5 वाला 50 लेवल का लेजेंड डिवाइन ड्रैगन फ्यूरियस मसल लड़ाई है। मुझे लगा इसको भी बेच दिया मैंने गलती से भाई, ज्यादा ही गलतियां करने लग गया हो लग रहा है मेरे को। देखो गाइस कहाँ पे है ये, कहाँ पे वो ये रहा ना। हाँ ठीक है चलो। अरे भाई साहब क्या यार, मैंने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। चलो कोई ना, शैडो बिग जो ना थोड़ा और पावरफुल वाला निकालने की हम कोशिश करेंगे, कैसे मैं अगले एपिसोड में आपको बताता हूँ। बाकी एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो हमारा आज का एपिसोड है ना वो हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते सीधा अगले एपिसोड में। फाइनली 8 जर्मन टाइड इग्निस को मैक्स लेवल कर दिया, बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉसेस को आज हम लोग ने मारा, तो उसके लिए एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, तो फटाफट लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, पाल वेल के बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.